जेनरिक दवा बनाने वाली कंपनी जेनरिक आधार का राजधानी रांची में पहले आउटलेट का आज लोकार्पण हुआ। रांची के अशोक नगर रोड में इसका उद्घाटन कंपनी के सीईओ अर्जुन देशपांडे ने किया। मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास है कि लोगों को सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराई जाए। इसी दिशा में जेनरिक आधार लगातार प्रयास कर रहा है। देशपांडे ने बताया कि जेनरिक आधार की देश भर में करीब 1500 शाखाएं हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही झारखंड के हर एक जिले में हमारी शाखा होगी। आज लोगों की जो जरूरत है, आज लोगों का जो डिमांड है, आज सामने से लोग डिमांड कर रहे हैं कि जेनरिक मेडिसिन चाहिए, क्योंकि आज लोग जागरूक हो रहे हैं कि जो दवा होती है इतने साल से MNC कंपनी के द्वारा हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि 10 रुपये की चीज़ हमको 1000 रुपये में बेची जा रही है। आज लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग सामने आ रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि हमको जेनरिक मेडिसिन चाहिए, जो अप टू 80% डिस्काउंटेड रेट तक जेनरिक आधार के माध्यम से हम लोग लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आज डॉक्टर का जब हम लोग कहते हैं तो डॉक्टर आज जेनरिक आधार के साथ में बहुत पैमाने में पूरे हिंदुस्तान से जुड़ते जा रहे हैं, और डॉक्टर भी एक इंसान है, उनको भी लगता है हमारा जो पेशेंट है वो पैसे बचाए उसके मंथली बिल्स में। आज मुझे खुशी होती है, फार्मासिस्ट है, डॉक्टर है, आगे आके जेनरिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बाद में अवेयरनेस कर रहे हैं, क्योंकि आज जो मैं देख रहा हूँ जेनरिक आधार की जो शुरुआत की है तो सीनियर सिटीजन बहुत बड़े पैमाने पे जेनरिक आधार के साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं। आज रांची में अगर आपने देखा होगा, पूरा रांची आज यहाँ पर जो भीड़ है, नहीं तो लोगों का जो डिमांड है हमारे माध्यम से, मतलब सब लोग जो सीनियर सिटीजन है, सुमित मैथ्यू जी जिन्होंने हमारा मास्टर फ्रेंचाइजी रांची का लिया है, लोग यहाँ पर आके पूछ रहे हैं आपका स्टोर कभी इनॉग्रेट होने वाला है, वो आज डिमांड क्रिएट हो रहा है, वो हमारा एक सक्सेस है, और लोगों तक सस्ते दामों में दवा पहुंचनी चाहिए, ये हम लोग मिशन के द्वारा है। न्यूज विंग के लिए रांची से श्योसी मुखर्जी की रिपोर्ट।